गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारा वर्टिकल फर्नेस है और ये हमने ड्यूल गेट में बनाया हुआ है कि आप इसमें व्यूइंग कर सकते हैं और छोटा सैंपल भी आपको अगर निकालना हो इन बीच में तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने फायर किया था इसको, तो ये 6 इंची बाई 6 इंची का गेट है और एक बड़ा गेट है जो ये 20 इंची का फर्नेस है वर्टिकल, जो कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास इस मेल्टिंग के लिए यूज हो रहा है। अप टू 1300 जो भी है इसमें मेल्ट हो जाएगा, 13 to 15 50 degrees तक। और ये गेट ओपन करना है, ये सिलिकॉन कार्बाइड में हमने बनाया हुआ है, देखिए 3 फेस में हमने बनाया हुआ है ये। और इसमें ऐसा डिजाइन है कि अगर बेस में आपका क्रूसिबल डाउन हो रहा है तो भी निकल जाएगा इजीली, वो मैं दिखाता हूँ। नीचे हमने बेस प्लेट बनाया हुआ है, ये इसका पैनल है, ये इसका पैनल है, 3 फेस में है ये, 4 से 5 किलोवाट में ही है आपका, 63 एम्पियर का MCB लगा हुआ है। और ये भी हमने फ्यूज के थ्रू सारा वायरिंग किया, पैनल है। और इसका बेस में एक प्लेट है जिसपे अगर इन केस जो क्रूसिबल आप मेल्ट कर रहे हैं कभी उसमें जैसे 10-12-15 फायर के बाद कोई क्रूसिबल टूट जाता है तो सैंपल ऊपर से ना निकाल के आप बेस से पुश करके निकाल सकते हैं। जरा बेस का प्लेट हटाइए, देखिए बेस में हमने एक प्लेट दिया है, ये इजीली निकल जाता है आराम से। उन्होंने फायर किया था तो चिपक गया था, ऐसे बाहर पूरा बाहर ये ऐसे बाहर, फिर अंदर डाल दीजिए इसको, ये अंदर चला जाता है। तो अगर आपका क्रूसिबल इसमें चेंज करना हुआ तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल फर्नेस, इसमें 2-3 प्रोविजन है, डबल गेट है, नीचे का बेस भी गेट है, उस पर आप चेंज कर सकते हैं उसको अगर आपका क्रूसिबल ऊपर से निकालने में दिक्कत हुआ या कोई सैंपल उसमें चिपका हुआ तो बेस को भी आप क्लीन कर सकते हैं, टॉप से व्यूइंग कर सकते हैं, डबल गेट से आप सैंपल निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये देखिए एकदम रेड हॉट, देखिए एकदम से रेड हॉट हो रखी है पूरा एकदम। ये हमने सबने बनाई है, डबल गेट दिया है इसमें, एक ये और एक छोटा गेट सैंपल निकालने के लिए। बाकी ये देखिए पैनल, इसका अभी हमने बंद किया, ये देख सकते हैं फर्नेस, ये रिपीट टाइप की फर्नेस है।